हाँ तो बच्चों, कल आप लोग एक्सरसाइज 4.2 में मल्टीप्लाई पढ़े थे। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 में वर्ड प्रॉब्लम का मल्टीप्लाई है। वर्ड प्रॉब्लम मल्टीप्लाई में, ये वर्ड प्रॉब्लम में सवाल दिया हुआ है, जिसे आप समझ करके इसे बनाएंगे। तो आइए, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। इसमें पहला नंबर सवाल में कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज 161 रुपीज। बच्चों, 1 kg चावल का कीमत दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू दिया हुआ है 161 रुपीज। तो आपको कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 68 kg राइस। तो 68 kg राइस का कीमत पूछता है। द कॉस्ट ऑफ 68 kg राइस इक्वल टू, तो बच्चों 1 kg का कीमत जब 161 रुपया है, तो 68 kg का कीमत क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 161 × 68। इसे आप ऊपर नीचे लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो केजी में आएगा। इसी तरह आप लिख करके बनाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। दूसरा नंबर में कहता है ए मैथ नोटबुक हैज 179 पेज। एक मैथ का बुक है जिसमें टोटल पेज नंबर दिया हुआ है 179। तो पूछता है कि हाउ मेनी पेज विल बी देयर इन 92 सच नोटबुक। तो 92 बुक्स का कुल कितना पेज होगा? तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 179 में 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो नंबर ऑफ पेज हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर गेम इज 398 रुपी। बच्चों, जो हम लोग आप लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं, तो एक कंप्यूटर गेम का कीमत दिया हुआ है 398 रुपी। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 261 सच गेम्स। तो 261 गेम का कीमत कितना होगा? तो आप लिख देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर गेम इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 398 में, टोटल नंबर ऑफ गेम है 261, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपको रुपीज में आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसे आप शॉर्ट में जो आप लोग इसको नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज बुक से एक एक करके सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए बॉल फैक्ट्री में 414 डॉल्स एवरी मंथ। एक फैक्ट्री है डॉल खिलौना बनाने वाला, जो कि एवरी मंथ एक महीना में 414 डॉल्स बनाता है।
तो कहता है कि हाउ मेनी डॉल्स विल इट मेक इन थ्री ईयर, तो तीन साल में वो कितना डॉल बनाएगा। एक महीना में कितना बनाता है, 414 डॉल्स एक महीना में। तो थ्री ईयर में कितना मंथ होता है, वन ईयर में 12 मंथ। तो थ्री ईयर में 36 मंथ होता है ना। तो एक महीना में जब इतना बनाता है तो 36 मंथ में कितना बनाएगा, इसमें 36 से गुना कर देंगे, ये नंबर ऑफ डॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ डॉल्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द वेट ऑफ द मोटर बाइक इज 176 केजी। एक मोटर बाइक का वजन दिया हुआ है 178 केजी, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 250 मोटर बाइक, तो 250 मोटर बाइक का वेट कितना हो जाएगा। तो 250 मोटर बाइक का टोटल वेट हो जाएगा, टोटल वेट इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 176 में 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा आएगा वो केजी में आंसर होगा, किसमें होगा, केजी में, वेट केजी में दिया हुआ है। इसके बाद सिक्स नंबर में कहता है कि द वेट ऑफ ए बैग 5858 ग्राम, एक बैग का वजन दिया हुआ है बच्चों 5856 ग्राम, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 175 बैग, तो 175 बैग का वेट कितना हो जाएगा। ठीक उसी तरह टोटल वेट ऑफ बैग इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 5856 ग्राम में 175 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। कोई दिक्कत। अब आइए लास्ट क्वेश्चन कहता है सेवन नंबर में कि ए बस ट्रेवल 250 किलोमीटर इन वन डे, एक दिन में 252 किलोमीटर एक बस यात्रा करती है, चलती है, इतना दूरी तय करती है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन वन ईयर, तो एक साल में वो कितना दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस इन वन ईयर इक्वल टू, बच्चों वन ईयर में कितना दिन होता है, 365 डेज, तो एक दिन में इतना किलोमीटर वो दूरी तय करती है, तो 365 डे में कितना किलोमीटर तय करेगी, 365 में आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उतना किलोमीटर आपका आंसर होगा। सब मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया, आपको केवल मल्टीप्लाई करके और सब यूनिट जहां जो यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट में आपको आंसर लिख देना है। और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है एक नंबर, एक कार्टून कंटेन 16 डर्जन ऑफ बनाना, एक कार्टून में 16 दर्जन केला है, तो हाउ मेनी बनाना आर देयर इन 850 कार्टून, एक कार्टून में जब 16 केला है तो 850 कार्टून में कितने केले होंगे,
तो बच्चों 850 में 16 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आप बनाना निकल जाएगा। थैंक यू।